हिंदू धर्म के अनुसार चारों धामों की यात्रा करना जरूरी होता है। व्यक्ति के जीवन में इन यात्राओं का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। उत्तराखंड में जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, तब यहाँ स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा किए बगैर तीर्थ पूरा नहीं माना जाता। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। इस धाम में शिव का रुद्र रूप निवास करता है, इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचे स्थान पर है। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की प्राकृतिक खूबसूरती और दैवीय वातावरण आत्मा को शांति प्रदान करने वाला है। महादेव के दर्शन के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भगवान शिव के चरणों में जब नतमस्तक होने की बात आती है, तो क्या राजा और क्या रंक। इसलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। मान्यता है कि समूचा काशी, गुप्त काशी और उत्तर काशी क्षेत्र शिव के त्रिशूल पर बसा है। यहीं से पाताल और यहीं से स्वर्ग जाने का मार्ग है। शिव पुराण के अनुसार व्यक्ति अगर बद्री वन की यात्रा करके नर तथा नारायण और केदारेश्वर शिव के स्वरूप का दर्शन करता है, तो निस्संदेह उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजन को शुद्ध, पवित्र और अत्यधिक विनम्र होकर किया जाता है, अन्यथा भोले भंडारी का अपमान उनके गणों, उनकी अर्धांगिनी को बर्दाश्त नहीं होता। भगवान राम भी कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं। इसलिए यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, तो सावधान रहें, मन से पवित्र रहें और अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थी बने रहें।